आज बिल्कुल पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन दूसरा टेस्ट मैच का आज चौथा रोज़ है। और जनाब आज का जो मैच है मुल्तान स्टेडियम का वो बड़ा सनसनीखेज होने वाला है, आज का दिन बड़ा सनसनीखेज होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान को अब 157 रन चाहिए और उसकी 6 विकेट जो है अभी भी बाकी है, और इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज़ अपने नाम करने के लिए और दूसरा टेस्ट मैच जीतने के लिए सिर्फ 6 विकेट चाहिए। इस वक्त जनाब जो ग्रीस पर मौजूद हैं वो फ़हीम अशरफ हैं और सऊद शकील इस वक्त ग्रीस पर मौजूद हैं, और पाकिस्तान को ये अगर बचानी है तो मुल्तान का मैच जीतना आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान इस वक्त 355 रन का जो है वो ताकुब करते हुए, कल पाकिस्तान ने 198 रन बनाए थे दिन के अख्ताम तक, और पाकिस्तान की 4 विकटें गिर चुकी थी जिनमें कप्तान बाबर आजम आउट हो गए थे बड़ी जल्दी एक रन बनाकर, इमामुल हक ने 50 बनाई थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जैसे जैसे दिन ख़त्म हो रहा था तो उन्होंने भी अपनी विकेट थ्रो कर दी थी, और इंग्लैंड जो है इस वक्त एक कहा जाए कि फेवरेट पोजिशन में है तो गलत ना होगा। कल हमने जितने भी स्पोर्ट्स तजियाकार थे उनसे बात भी की तो उनका यही कहना था, क्योंकि सुबह का जो सेशन होता है वो पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अब तक जितने भी सुबह के सेशन हुए हैं कल भी इंग्लैंड की टीम सिर्फ 75 रन बना के 5 विकेटें उन्होंने गंवा दी थी, तो पाकिस्तान के लिए आज जो पहला घंटा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और उसमें देखना होगा कि इंग्लैंड के बॉलर जो हैं वो किस तरह की बॉलिंग करते हैं। शायद अभी जो दोनों टीमें हैं वो पहुँच चुकी हैं स्टेडियम में और अपनी प्रैक्टिस कर रही हैं, और मैच जो अपने वक्त पर होगा, क्योंकि आज भी जो दिन है वो बड़ा खूबसूरत दिन निकला हुआ है, सूरज आबोताब पे रोशन है, आज भी धुंध के कोई असरात दिखाई नहीं दे रहे, तो आज बड़ा मैच है, बड़ा दिन है पाकिस्तान और इंग्लैंड दोनों के लिए, और पाकिस्तान आज जीतकर सीरीज़ बचा लेगा, और अगर इंग्लैंड जीतता है तो वो मैच और सीरीज़ दोनों अपने नाम कर लेगा जी।